छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने राम वन गमन परिपथ योजना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास से छेड़छाड़ की किसी को अनुमति नहीं है। योजना के तहत जिन कंपनियों को मूर्ति बनाने का काम दिया गया था उन्हें इसका अनुभव ही नहीं है। विधायक चंद्राकर ने कहा कि चंदखुरी में लगी मूर्ति भगवान राम जैसी नहीं दिखती है और किसी को भी श्री राम के नाम पर पैसे खाने का हक नहीं है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति के नाम पर कांग्रेस सरकार ने पैसा खाया है, जिसके चलते सोशल ऑडिट के माध्यम से जनता के सामने तथ्य रखे जाएंगे। रायपुर से संवाददाता भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की संस्कृति या छत्तीसगढ़ का जो भी माइथोलॉजिकल इतिहास है उसको छेड़छाड़ की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। जो कंपनियां उन्होंने TCIL और वॉक्सको को तय की है उनको मूर्ति बनाने का कोई अनुभव नहीं है। आप जाके देखिए चंदखुरी की राम भगवान की मूर्ति राम भगवान जैसे दिखती है क्या? अभी मान लो 87 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं तो बाकी जो चीजें और करवाई गई हैं वहाँ जिसमें 5.5 करोड़ के मूर्ति लगी है और मूर्ति के रेट में भी वेरिएशन है। कौन से सुवार में बना है कोई नहीं जानता, कब तक वो कितनी उम्र है, कौन सी मुद्रा रहेगी, कौन सा पत्थर है उसको कोई नहीं जानता, शासन भी नहीं जानते उसको, कंपनियां जानेंगी। अब जो काम वो करना चाहते हैं वो मौके में हुआ है कि नहीं हुआ, इसके सोशल ऑडिट जनता के सामने होनी चाहिए। क्योंकि किसी को राम वन गमन पथ के नाम से भगवान के नाम से पैसा खाने का हक नहीं है। छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति के नाम पर पैसा खाने का जो उपक्रम है पहली बार कांग्रेस सरकार ने किया।